अच्छा, लूट के दौरान गोली मारा गया है। हाँ, लूट के दौरान माल से निकाल कर और निकला बाहर, तब जब उसको गोली मार दिया गया। उसके बाद बगल में पिंटू किराना दुकान है, उसको गोली मारा गया है। उन्होंने पीछा किया शायद उनको? नहीं, पीछा नहीं किया गया, मतलब निकल कर जा रहा था जी, देखने के लिए क्या हो रहा है, तो उसने गोली मारा है। आपका ड्यूटी है लोगों को सुरक्षा देना, आपका ड्यूटी है व्यवसायियों को सुरक्षा देना, लेकिन आप हाथ में हाथ धरे बैठे थाना में बैठ के कुर्सी तोड़ते हैं। बिहार में अपराधियों का हौसला इतना बुलंद है कि दिन दहाड़े अपराधी बीच बाजार में आते हैं और देर दरादन गोली चाल कर आसानी से फरार हो जाते हैं और पुलिस जो है केवल हाथ में हाथ धरे बैठी रहती है। बिहार पुलिस हमेशा बदनाम होता है, अपराधियों को पकड़ने नहीं जाता है, बस बालू के ट्रक वाले से सूली करने जाता है, शराब जो शराब बेचने वाले लोग हैं उनसे सूली करने जाता है और अपराधियों के पास नहीं पहुंचते। इस कारण हमेशा यही होता रहता है कि दिन दहाड़े अपराधी आते हैं और बीच बाजार में घुस कर गोली मारकर आसानी से फरार हो जाते हैं और पुलिस जो अपराधियों के पास नहीं पहुंच पाती है। इस तरह सिवान में दिन दोपहर में अपराधियों ने गोली मारकर स्वर्ण व्यवसायी को मौत के घाट उतार दिया है। मौजूद है सिवान जिले के जीबी नगर थाना क्षेत्र के चाड़ी बाजार मौजूद है, जहां तमाम जो लोग हैं इकट्ठा हुए, तमाम जो लोग सड़क जाम किए हुए, गोली मारकर एक स्वर्ण व्यवसायी का हत्या कर दिया गया है। सबसे पहले घटना जानने का प्रयास करेंगे, आखिर जो घटना है किस प्रकार घटना। स्वर्ण लगभग 2:00 कुछ मिनट में हुई घटना। कब घटना भैया? 2:00 कुछ मिनट में हुई है जी। मैंने कब अपराधी कैसे क्या कुछ बताइए। सीधा आए हैं लोग उत्तर साइड से, आकर उनके दुकान में घुस जाए। बाकी आपके पास सीसीटीवी कैमरा में पूरा मौजूद है, सब देख लीजिएगा, उसको हम लोग लिख देते हैं आप लोगों को। अच्छा, मतलब घटना कितने बजे की है? लगभग 2:00 कुछ मिनट की। अच्छा, लूट पीछा नहीं किया गया, मतलब निकल कर जा रहा था जी, देखने के लिए क्या हो रहा है, तो उसमें गोली मारा है। क्या नाम है हत्या हुआ उनका? आकाश कुमार सोनी नाम हुआ, स्वर्ण व्यवसायी। हाँ, स्वर्ण व्यवसायी। इसके पहले भी उस पर गोली चला था। मैं इसके पहले भी दुकानदार पे गोली चला था। वो लोग बोल कर गया था जी, हम तुमको जरूर मारेंगे, मिल जाओगे। तो कब ऐसा इसके पहले घटना हुआ था? चार महीने। उसका कोई कार्रवाई हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। देखिए, सवाल इतना बड़ा खड़ा हो रहा है कि जिनके साथ घटना घट हुआ, जिनका हत्या हुआ है, उनके द्वारा 4 माह पहले जीबी नगर जो थाना है उसमें आवेदन दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो थाना प्रभारी है कोई कार्रवाई नहीं की, उस मामले में कोई भी अपराधी को गिरफ्तारी नहीं किया। हालात ये है कि जीबी नगर थाना हो गया, बड़हरिया थाना हो गया, यहाँ पे लगातार व्यवसायियों को टारगेट किया जा रहा है और दिन दहाड़े गोली मारकर जो व्यवसायी के पास जो अपराधी है पहुंच रहा है, दिन दहाड़े लूट करके गोली मारकर आसानी से फरार हो जा रहे हैं और पुलिस जो है नहीं पहुंचा रही है। जब हत्या हो जा रही है, लोग सड़क जाम कर रहे हैं, तो सड़क जाम करने वाले पर एफआईआर कर दिया जाता है और बीच बाजार में पुलिस जब आके दुकान में बैठी होगी, वहां पर रखवाली कर रही होगी, शायद पहले रखवाली की रहती तो शायद घटना नहीं घटता। सड़क में जाम की हुई, आखिर मांग क्या है, बात करने का प्रयास करें। आखिर मांग आपका क्या है? बैठे हुए धरना पर मांग क्या है आप लोग का? मांग हम लोग प्रोटेस्ट चाहिए। हम लोग मान लीजिए कि इस तरह की कोई भी घटनाएं होती हैं, आज हमारे साथ हुआ, कल उनके साथ हुआ, परसों उनके साथ हुआ, हम लोग बस चाह रहे हैं सब लोग से, मतलब पुलिस प्रशासन से, कि हम लोग को सुरक्षा मिले। हम लोग लगातार व्यवसायियों को टारगेट किया, कभी रंगदारी नहीं देने पर गोली मार दिया जाता है, तो कभी लूट के दौरान भी गोली मार दिया जाता है। ऐसे लगभग 6 साल पहले ये आनंदी सिंह है, इनके साथ भी ऐसे ही हुआ, इनको भी गोली मारा गया था, इनके भाई का डेथ हो गया जो पीएमसीएच में ये भर्ती थे, इनका भी 6 साल पहले हुआ। तो यहाँ पर चौकी आ गई मगर हम लोग को मिला गया, कुछ नहीं मिल रहा है। चौकी में पुलिस रहता है? हाँ, पुलिस रहता है, फायदा नहीं है, कोई देख रेख नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई ड्यूटी है कुछ मतलब नहीं है। अच्छा, आपके साथ घटना घटा उसमें कुछ उद्भेदन उद्भेदन हुआ? कुछ नहीं हुआ आज तक, कुछ नहीं हुआ। नहीं, कितना दिन पहले घटना है आपका? लगभग 18 का है घर। अच्छा, अभी सोने व्यवसायी हैं? नहीं, हार्डवेयर। अच्छा, व्यवसायी जी। देखिए, ये भी व्यवसायी वर्ग है, इनके साथ भी घटना घटा 2018 में, लेकिन अभी तक उस मामले का उद्भेदन नहीं हुआ। देखिए, बिहार पुलिस पर लोग सवाल खड़ा करते हैं, तो बिहार पुलिस के लोग बोलते हैं कि पुलिस के खिलाफ लोग बोलते हैं, पुलिस के खिलाफ लोग नारेबाजी करते हैं, आखिर नारेबाजी लोग क्यों नहीं करे? आधी दिन दहाड़े आकर व्यवसायियों को गोली मारकर आसानी से फरार हो जाते हैं और आप जो है हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं, गाड़ी बंद स्कॉर्पियो में बैठे घूमते रहते हैं और अपराधी के पास नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए जो है चाड़ी बाजार के तमाम लोग फिर से तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे लोग सड़क जाम किए हुए, सभी का एक ही मांग है कि यहाँ के जिले के जो पुलिस कप्तान है आए और हम लोग उससे आग्रह है, उनसे विनती है कि जो भी इस घटना में शामिल है उन अपराधी को पकड़ा जाए और जो भी व्यवसायी हैं यहाँ पे दुकान चलाते हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। लगातार इस तरह व्यवसायियों को टारगेट किया जाता है, इस पर जो यहाँ के उच्च अधिकारी हैं, जिला के पुलिस कप्तान है, उनको भी सोचना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए, इस व्यवसायियों से मिलना चाहिए कि आप लोग आखिर मांग क्या है। लेकिन सड़क में उतरे हुए देखना होगा, जो जिले के पुलिस कप्तान है पहुंचते कि नहीं, लोग जो मांग है उनको पूरा करते कि नहीं, यह तो होने वाला समय बताएगा।